ओके स्टूडेंट, देखो ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में अपनी नई यूनिट स्टार्ट की थी हमने सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने सरफेस प्रोसेस को स्टडी किया था, और इन्हीं सरफेस प्रोसेस में से हमने एक प्रोसेस स्टडी किया था एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन से रिलेटेड जो अलग अलग प्रोसेस थे, सोर्प्शन है, ऑक्लूशन है, डिजॉर्प्शन है, या इसी से मिला जुला वर्ड एब्जॉर्प्शन, ये सारे हमने एग्जाम्पल के साथ स्टडी किए थे। आज हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन में क्या कहा था हमने, अगर किसी भी एडजॉर्बेंट ये हमने कंसीडर कर लिया एडजॉर्बेंट, यानी जो सरफेस प्रोवाइड करेगा, इसके नियर बाय अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेंट है तो ये क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो थे ये एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके बैठ जाते हैं, और सरफेस पे आके बैठ जाना ही एक्यूमुलेट हो जाना, इसका इकट्ठा हो जाना, देखो सिर्फ सरफेस पे, और जहां इसको बाउंड्री मिलेगी, सरफेस मिलेगी, वहां हर तरफ से वो आके बैठ सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं, और इस एडजॉर्बेंट का एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके बैठ जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठे हो जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, एडजॉर्प्शन। अब ये किस तरह से आके बैठ रहा है, यहां एक हमने स्टडी किया था कि यहां कुछ इस सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर जो इस एडजॉर्बेंट के हैं, ये कुछ इनवर्ड फोर्स फील कर रहे थे, जिसकी वजह से ये नियर बाय मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये मॉलिक्यूल जब इसके सरफेस पे आके स्टिक हो गए हैं, बैठ गए हैं, एडजॉर्ब हो गए हैं, इनके बीच में किस तरह का फोर्स काम करता है, उसके बेसिस पे हम टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन करेंगे, और यहां हमने स्टडी करना है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, और किसके बेस पे करना है हमने, बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल, इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह का फोर्स ऑपरेट कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन स्टडी करेंगे, और ये टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन जो हमने स्टडी करना है, जिसमें फर्स्ट वन हम कहेंगे दैट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्या हो जाएगा ये, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और सेकंड वन हम बात करेंगे यहां केमिकल एडजॉर्प्शन की। देखो एक बार इनका मीनिंग समझते हैं हम, जैसे यहां आपको लग रहा है कि केमिकल है या फिजिकल है, फिजिकल है दैट मीन्स इस एडजॉर्प्शन के अंदर जो एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन है वो सिर्फ क्या होगा, फिजिकल फोर्स लगेगा, और फिजिकल फोर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं वंडर वाल फोर्स, क्या स्टडी करते हैं, वंडर वाल फोर्स, यानी ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वाल फोर्स काम कर रहा है। हम वंडर वाल फोर्स को बार बार इतना ना लिखे, हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे वी डब्ल्यू एफ, जब वी डब्ल्यू एफ काम करेगा उसको बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी सिर्फ एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल फिजिकल फोर्स के द्वारा ही सरफेस पे बैठे रहेंगे। और अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या कहेंगे कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्या बोलेंगे हम कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और केमिकली बॉन्ड किस तरह के यहाँ ऑपरेट हो सकते हैं,
जो हम बात करते हैं स्ट्रोंग बॉन्ड की, और स्ट्रोंग बॉन्ड की टाइप पढ़ते हैं हम, या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो ये हम स्ट्रोंग बॉन्ड की बात करेंगे। अगर एडजोर्बेट और बेंड के बीच केमिकली बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रोंग बॉन्डिंग है, तो स्टडी करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन में। और यहाँ सिर्फ वीक फोर्स ऑपरेट कर रहा है, और वीक फोर्स में किसको काउंट करते हैं हम, मेनली किसको मान के चलते हैं, वंडर वाल फोर्स को, VWF को। तो इस फोर्स के बेसिस पे अब वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट देखो, हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। फर्स्ट वन हम यहाँ स्टडी करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमने ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ फिजिकली मॉलिक्यूल्स कॉन्टेक्ट में आएंगे, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर फिजिकली एडजॉर्प्शन करवाना है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में सिर्फ वीक वंडर वाल फोर्स काम कर रहा है। हम ये लें कि आपने कोई भी यहाँ एडजॉर्बेंट यूज कर लिया है, और इसकी सरफेस पे कोई भी एनी एडजॉर्बेट काम कर सकता है। यहाँ सिर्फ इसकी सरफेस पे आके ये स्टिक करेंगे ये मॉलिक्यूल, इसी की बाउंड्री जिसको हम सरफेस मान के चलते हैं। यहाँ कोई बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो सिंपल अगर यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखें तो यहाँ क्या काम कर रहा है, ओनली वंडर वाल फोर्स काम कर रहा है, जो वीक टाइप का बॉन्ड है। और इसी की अगर हम बात करें, कोई भी एडजॉर्बेट आके इसकी सरफेस पे स्टिक कर सकता है। जैसे अपने पास ये कहें कोई भी फैब्रिक है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन भी स्टिक कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी, या डस्ट पार्टिकल भी। इसी तरह से अगर स्पेसिफिक एग्जांपल लें, या एडजॉर्बेट हम चारकोल ले लें, चारकोल एयर को भी एडजॉर्ब कर सकता है, वाटर को भी कर सकता है, पोल्यूटेड गैस को भी, और इवन किसी पैथोजन बैक्टीरिया वायरस को भी अपनी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। तो इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है ना, जो आया वो एडजॉर्ब हो गया, जिसको जगह मिली वही सरफेस पे आके बैठ सकता है। तो हम फिजिकल एडजॉर्प्शन को क्या कह सकते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है। अब देखो, स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है, जो आया वो सरफेस पे आके स्टिक कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था यहाँ पे, क्या मॉलिक्यूल के बैठने से नेग्लिफाई हो गया। अगर नेग्लिफाई नहीं हुआ तो ये और भी मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे जाके स्टिक हो सकते हैं, और फिर भी नहीं हुआ तो और भी थर्ड लेयर जाके यहाँ फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगी। क्या होगा यहाँ पे, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होगा। यानी आपका जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, ये जो हमने बाउंड्री कंसीडर की किसके लिए, एडजॉर्बेंट सरफेस को। अब इस सरफेस पे एक लेयर बन सकती है एडजॉर्बेंट की, फिर भी अगर इनवर्ड फोर कैंसिल नहीं हुआ तो सेकंड लेयर बन जाएगी, फिर भी कैंसिल नहीं हुआ तो थर्ड लेयर बन जाएगी, हो सकता है पॉसिबिलिटी फोर्थ भी बन जाए। तो इसमें हम अगर देखें तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, या आपकी फोर्थ वन भी पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ लेयर पे लेयर फॉर्मेशन हो रही है, स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है। अब सिर्फ फिजिकल बॉन्ड से ये स्टिक कर रहे हैं। हम देखें कि फैब्रिक के ऊपर डस्ट पार्टिकल चिपक गई है, हम उसको सेक करते हैं, हीट करते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाता है, इजिली रिमूव हो जाता है। दैट मीन्स ये डस्ट पार्टिकल्स थे, इसको हम इससे रिमूव भी करवा सकते हैं। मान लो इसको अगर हमने हीट कर दिया, हीटिंग करेंगे, तो ये पार्टिकल सरफेस से क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हमने किस नाम से पढ़ा था, डिजॉर्प्शन। यानी सरफेस बिकम फ्री, जो पार्टिकल्स आके सरफेस पे बैठ गए थे हीटिंग करने से, सेकिंग करने से, वो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे।
तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो हम ये भी राइट कर सकते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार पार्टिकल आके बैठ गए, गर्म करेंगे तो वो उसको छोड़ के चले जाएंगे, दोबारा आके बैठ सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल हो सकता है, एडजॉर्ब भी हो सकते हैं, डिजॉर्ब भी हो सकते हैं। यानी इस सरफेस को ये फ्री भी कर देंगे और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्री। और अगर हम इसको कूलिंग करेंगे तो दोबारा से एडजॉर्ब भी हो सकते हैं। और जिस प्रोसेस में दोनों साइड की पॉसिबिलिटी हो, यानी इसको रिमूव करेंगे तो सरफेस फ्री हो जाएगा, वापिस स्टिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एडजॉर्प्शन हो जाएगा वापिस। तो ये प्रोसेस दोनों तरफ से पॉसिबल है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। पार्टिकल सरफेस पे बैठ भी सकते हैं, छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट वन हम देखो, हम यहाँ क्या स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह का फोर्स यहाँ ऑपरेट कर रहा है, कैसी लेयरिंग फॉर्मेशन हुई। अब इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं। सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट है तो ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है ये लोअर एनर्जी प्रोसेस है। कैसा है? लोअर एनर्जी प्रोसेस है। वैसे देखो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक वीक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये लोअर एनर्जी में ही क्रिएट हो जाता है। यहाँ 20 से लेके हम ये कहें कि 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी चेंजेस आ रही है जब फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये लोअर एनर्जी प्रोसेस। नेक्स्ट वन देखो, अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, ये लोअर एनर्जी में वीक बॉन्ड से पॉसिबल हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट इसेंशियल फैक्टर। कि जरूरी नहीं है कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी को अटेन करें, क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट वाइज हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम केस अगर हम ले लें सेकंड टाइप जो हमने करना है, केमिकल एडजॉर्प्शन। अब किसको कहेंगे, देखो हम केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी यहाँ सिर्फ फिजिकल फोर्स ऑपरेट कर रहा था, वंडरवाल फोर्स लग रहा था, अगर केमिकल बॉन्डिंग होगी तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ क्या वर्क करेगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑपरेट करेंगे। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो सकते हैं, आपका आयनिक बॉन्ड हो, या फिर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड हो, या हम ये कहें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग या पॉसिबल है। ये क्या कह रहा है, सिर्फ कोई भी एडजॉर्बेंट आके सरफेस पे स्टिक हो सकता है, लेकिन केमिकल बॉन्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि केमिकल जो बॉन्डिंग है, एडजॉर्प्शन है, वो स्पेसिफिक इन नेचर। क्या है? स्पेसिफिक इन नेचर। ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहां कंसिडर कर लिया प्लेटिनम, तो इसके ऊपर मान लो यहाँ एयर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों गैसेस है, लेकिन प्लेटिनम की एक्टिव साइट सिर्फ किसको एडजॉर्ब करेंगी, हाइड्रोजन को, या ऑक्सीजन जाएगा तो वो एडजॉर्ब नहीं हो सकता। इसलिए ये स्पेसिफिक नेचर है, एक पार्टिकुलर जो एडजॉर्बेंट है, एक पार्टिकुलर एडजॉर्ब को ही सरफेस पे स्टिक होने देगा। ये नहीं कि जो आया इसमें तो वही सरफेस की एक्टिव साइट को ऑब्टेन कर सकता है, वहां बैठ सकता है, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट ही इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी ये पोजीशन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, या बाकी यहाँ मिक्सर ऑफ एयर में कोई भी गैसेस हो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट वन बात करें,
कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन तो मल्टीलेयर बना रहा था, लेकिन यहाँ तो देखो इसके स्पेसिफिक नेचर पे डिपेंड करता है, केमिकल बॉन्डिंग बन रही है। तो एक बार अगर हाइड्रोजन ने यहाँ प्लेटिनम के साथ एडजॉर्ब कर लिया सरफेस पे, तो दूसरी लेयर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम यहाँ राइट करेंगे कि केमिकल एडजॉर्प्शन में ओनली यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है। क्या होती है? ओनली यूनिमोलिकुलर लेयर, क्योंकि ये केमिकल स्पेसिफिक नेचर है, तो एक ही लेयर आपकी एडजॉर्ब हो सकती है, सेकेंड थर्ड की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि ये तो रिवर्सिबल था, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं थी, बॉन्डिंग नहीं थी, जो आया वो अपनी मर्जी से बैठ रहा था, या सिर्फ ये था कि वहाँ फोर्स काम करना चाहिए वहाँ तक, जैसे हम मैग्नेट की देखें पकड़ जहाँ तक हो वहाँ तक आयरन पार्टिकल स्टिक करते चले जाते हैं। तो ये तो सेम एक अट्रैक्शन था सरफेस का, लेकिन यहाँ तो केमिकली इसके एक्टिव साइट पे डिपेंड करता है कि किसको सेलेक्ट करके बिठाएगा। जितनी बिठाने की टेंडेंसी अगर सारे ऑक्यूपाई हो गए तो एक ही लेयर बना सकते हैं, तो यहाँ यूनि लेयर थी। अब एक स्पेसिफिक नेचर है, एक बार इसके साथ एडजॉर्ब हो गया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये कहेंगे कि ये प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे हम देखो यहाँ कंसीडर करके देखें कि हमने प्लेटिनम की सरफेस पे की जगह हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, सबने खूब देखा है आयरन का क्रिस्टल ले लिया, या हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लिए, तो यहाँ हाइड्रोजन भी इसके ऊपर बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी इसके ऊपर यूनिलेयर फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जैसे ही एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, ये बॉन्ड तो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं जो ऑलरेडी इनके बीच में थे, लेकिन यहाँ एक न्यू टाइप की बॉन्डिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर इस मॉलिक्यूल पे से इसको हम डिजॉर्ब करेंगे तो ये कैटलिस्ट तो फ्री हो जाएगा। अब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके न्यू सब्सटेंस बना दिया है, तो हम इसको डिजॉर्ब करेंगे तो हमने लिए तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थे, और मिला क्या डिजॉर्प्शन के बाद हमें? जो डिसॉर्प्शन प्रोसेस हमने किया, इसको हीटिंग करके रिमूव कर दिया, तो ये साइट तो फ्री हो गई है, लेकिन जो आपने एडजॉर्बेट लिया था और बेंड लिया था वो क्या हो गया? अभी डिफरेंट हो गए। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी उसको हम वापिस से रिवर्स नहीं कर सकते। एक परमानेंट प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था। अब ये यहाँ कोई सब्सटेंस नहीं बना तो लोअर एनर्जी में ही काम चल रहा था, कम एनर्जी से आपका एडजॉर्प्शन हो रहा था, डिजॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन जब भी यहाँ जितनी बॉन्डिंग बनेगी नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हायर एनर्जी प्रोसेस क्या है? ये हायर एनर्जी प्रोसेस है, और यहाँ एनर्जी अपनी है 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल के बीच एक्सचेंज हो जाती है, लूज और गेन होता है। जनरली हम क्या कहते हैं कि एनर्जी लूज करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ एनर्जी का लूज 80 to 240, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड बेंड। ये क्या था? स्पेसिफिक नहीं था, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और बेंड दोनों पे डिपेंड करता है, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, तो एनर्जी चेंजेस था वो हायर था, तो हायर एनर्जी प्रोसेस है। अब बात करें, इसमें बॉन्डिंग नहीं बने थे तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं थी, और इसमें क्या होगा? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल अटेन एक्टिवेशन एनर्जी। क्या अटेन करेंगे? ये एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको ई ऐसे डिनोट कर रहे हैं, टू फॉर्म प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी जरूरी नहीं था कि रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी अटेन करें। तो ये दोनों के बीच में अगर हम डिफ्रेंशिएट की फॉर्म में देखें, तो ये हमने सिंपल एक ओवरव्यू के फॉर्म में देखें। अब इनके केस में देखो, अगला इफेक्ट हम प्रेशर और टेम्परेचर का स्टडी कर लेते हैं कि अगर टेम्परेचर वेरी करे, प्रेशर वेरी करे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के ऊपर।
फर्स्ट देखो, अगर यहाँ हम स्टडी करते हैं फिजिकल के ऊपर, अगर हम प्रेशर वेरी करेंगे, यानी प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करवा रहे, तो सिंपल जो आपकी लेयर था जिसके ऊपर पार्टिकल आके एडजॉर्ब हो रहे थे, जो पार्टिकल फ्री घूम रहे, आपने ये लगा लो कोई भी गैसेस को कंटेनर में क्लोज करके ये हमने एक्टिवेटेड चारकोल ले लिया, तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो और भी मॉलिक्यूल आके क्या करेंगे, सरफेस पे बैठ जाएंगे, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मोर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे ऑन सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। इसी केस में अगर हम बात करें यहां टेम्परेचर की, देखो दोनों को एक साथ स्टडी कर लेते हैं। अब हम यहां देखते हैं, जब पार्टिकल सरफेस पे स्टिक हुए, दैट मींस क्या हुई, इस प्रोसेस की स्टिक जब ही होते हैं जब यहां से ये एनर्जी लूज करते हैं। एनर्जी क्या है, फॉर्म ऑफ हीट इन टेम्परेचर की फॉर्म में, और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब हम याद रखेंगे ऑन राइज इन टेम्परेचर जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन था, फिजिकल एडजॉर्प्शन वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। यानी अगर हमने टेम्परेचर को राइज किया तो ये करेगा दैट इंक्रीज रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, तो पार्टिकल्स उस सरफेस को छोड़ के वापिस सराउंडिंग में चले जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सेम केस हम स्टडी करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, देखो अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो यहां केमिकल एडजॉर्प्शन पे प्रेशर कैसे काम कर रहा है, देखो प्रेशर दोनों के केस में, अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स थे और एब्जॉर्बेट वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग होगी, एक्टिवेशन एनर्जी अटेंड करेंगे, तो अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हो जाता है वो हम नेक्स्ट अपने आगे वीडियो में स्टडी करेंगे, आज सिंपली स्टडी कर लेते हैं। इसी केस में अगर हमसे कहे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां ध्यान रखना है कि टेम्परेचर है वो हम हीट एनर्जी की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, और हमें पता है कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट तक जाने के लिए यहां एक गैप था, एक्टिवेशन एनर्जी को अटेन करना है। इस एक्टिवेशन एनर्जी को अटेन करने के लिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस हीट एनर्जी को यूज कर लेते हैं, तो हम ये राइट करेंगे कि टेम्परेचर का अगर इफेक्ट केमिकल एडजॉर्प्शन पे देखना है तो हम ये लिखेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, इट स्लो एट लोअर टेम्परेचर एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कोई इंक्रीज हो गया है, तो हमने आंसर देना है कि इंक्रीज किस लिए हो गया है, कि जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं दैट गिवन टेम्परेचर यूज टू अटेन एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो अगर हम टेम्परेचर के साथ एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ फिजिकल के केस में तो अपना स्लोप ये आएगा कि ये टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज। लेकिन यही केमिकल के लिए भी एक्सप्लेनेशन लेंगे हम ग्राफिकली अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। देखो तो ये आपका फर्स्ट इंक्रीज, देन स्टार्ट टू डिक्रीज, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां तक मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी अटेन करेंगे तो आपका एडजॉर्प्शन यहाँ तक इंक्रीज होगा। मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद, यानी जितनी एनर्जी अटेन करनी थी, यूनिलेयर फॉर्मेशन हो गया था, उसके बाद डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक तो
जो आपका कीमो एडसॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या हो गया देखो, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, डाउनवर्ड स्लोप आ गया जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे। तो आपने लिखना है कि केमिकल एडसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर देन स्टार्ट टू डिक्रीज, और फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज। इसको डिटेल से स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।